हेलो दोस्तों, तो आज बात करते हैं एक दुबई की डार्क रियलिटी जो होती है। आज तो वैसे मूड नहीं था मेरा वीडियो बनाने का, क्योंकि ऐसी कुछ न्यूज़ आई मेरी कंपनी की तरफ से, तो पूरा एकदम मन ही नहीं हो रहा था वीडियो बनाने का। फिर सोचा चलिए आप लोगों को बताते हैं कि दुबई की एक डार्क रियलिटी क्या होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एजेंट के चक्कर में ना फंसें, जॉब करने आएँ, बेस्ट ऑप्शन है, सब कुछ सही है, पैसा भी बहुत अच्छा मिलता है अपने होम कंट्री के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी मैं बताऊंगा क्या हुआ एक बंदे के साथ मेरी कंपनी में, बहुत ही दुखद हुआ। और उसके बाद जो भी पैसा मिल जाता है और जो होता है, तो उससे कुछ नहीं होता है। डार्क रियलिटी ये होती है कि आप अपने घर घर के सभी लोगों को छोड़ के आते हैं यहाँ पे जॉब करने। यहाँ पे जॉब के नाम पे क्या होता है कि आपको जॉब तो मिल जाती है, आपके क्वालिफिकेशन या आपके एजुकेशन या आपके लाइसेंस के दम पे डिलीवरी में या राइडिंग में या कार टैक्सी ड्राइवर में या किसी भी पोस्ट पे आप पैसा भी बहुत अच्छा अर्न करते हो, लेकिन सब कुछ आप सही कर लेते हो, लेकिन छूट किया जाता है बहुत सारी चीज़ें, उसके पीछे आप त्यागते हो। त्याग करके आप यहाँ पे जॉब करते हो, रहते हो एक बेड स्पेस में या विल्ले में, और यहाँ की ज़िंदगी मतलब बहुत ही कंजस्टेड है, बहुत ही कंजस्टेड है। मतलब उसके लिए कोई शब्द नहीं है कि यहाँ पे लोग रह के पैसा तो अच्छा कमाते हैं, बहुत लोग अच्छे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पैसे कमाते हैं, लेकिन मैं उस ग्रेड की बात कर रहा हूँ जो 60-70 हज़ार 80 हज़ार के नीचे कमाता है। इंडियन रुपीज़ में बात कर रहा हूँ, 60-70 हज़ार 80 हज़ार के नीचे कमाता है, जो उसकी सैलरी 2500 दिरहम 3000 दिरहम 2000 दिरहम 1500 दिरहम 3500 दिरहम होती है, वो यहाँ लाइफ वही सरवाइव करता है उसी तरह से जो एक लेबर ग्रेड का आदमी करता है। थोड़ा सा उससे अच्छा भी होता है कुछ लोगों का, थोड़ा सा जो जितना अपने ऊपर खर्च करता है। लेकिन रियलिटी, डार्क रियलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, इन केस आपको कुछ हो जाता है, जैसा कि एक मेरे कंपनी के ड्राइवर के साथ आज हुआ। वो अभी 2 ही महीना हुआ था कि अपने घर से छुट्टी से आया था और अचानक उसको हार्ट अटैक हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो ये बात तो शेयर करने वाली नहीं थी, इस पे कोई न्यूज़ भी नहीं थी, लेकिन इसके पीछे उसके बाद क्या क्या हो रहा है उसको लेके बात करनी है। देखिए, जब एक खासकर आप बाइक ड्राइविंग में आते हैं या ड्राइवर रिलेटेड किसी भी जॉब में आते हैं, तो आपका एक क्या इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस में क्या होता है, बहुत सारे लोगों को आप सुने होंगे, कंपनी इंश्योरेंस देती है, वीजा देती है। इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेंस में आपका मेडिकल इंश्योरेंस होता है, आपकी दवा जितनी होगी और सारी चीज़ें होंगी उसका खर्च उठाएगी कंपनी। आपका डेथ होता है तो उससे कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है, क्योंकि वो आपका लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता है, आपका मेडिकल इंश्योरेंस होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब मिथ्य कहा जाए या कुछ भी कहा जाए, बहुत मतलब दुखद होती है ये चीज़ें। उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर होता है, डेड बॉडी यहाँ से जाने के लिए 20 हज़ार दिरहम का चार्ज करती है एयरलाइन कंपनियाँ, 15 से 10 हज़ार 20 हज़ार दिरहम, मतलब 4 से 5 लाख रुपए लगता है डेड बॉडी जाने के लिए। भले वो आपकी कंपनी पे करे या कैसे क्या हो, लेकिन वो प्रोसीजर सुनिए, देखिए कितना कितना मतलब क्या कहा जाए। उसके बाद कंपनियां कंपनसेशन के नाम पे 5 से 10 लाख रुपए दे देती हैं, उससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आदमी 6 साल 7 साल 5 साल रह के यहाँ कमाता है अपने घर परिवार के लिए, और कैसी ज़िंदगी जी के कमाता है और कैसे वर्क करके कमाता है, ये उस बंदे से कभी दिल से पूछा जाए तो वो बयां करेगा। अपने घर परिवार से अलग रह के, बीवी बच्चों से अलग रह के, माँ बाप से अलग रह के यहाँ कमाता है, उनके लिए ही कमाता है, अपने पे मिनिमम से मिनिमम खर्चा करता है। हाँ, कुछ लोग होंगे जो जिनके आगे पीछे बहुत ज़्यादा वो नहीं है, जिनकी फैमिली मजबूत है, उनकी बात अलग है, लेकिन नॉर्मल एक फैमिलियर बंदे की बात की जाए तो बहुत ही मुश्किलात होते हैं। तो मेरा बताने का बस मतलब इतना था कि जो लोग अपना सब कुछ छोड़ के आते हैं और छोटा सा छोटा अमाउंट कमाते हैं, इंडिया में वो, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में वो बहुत भले ही बहुत बड़ा अमाउंट हो, लेकिन यहाँ के लिए छोटा अमाउंट होता है। तो अपने कमाई के साथ साथ, मेरा मोटो वीडियो बनाने का यही था कि अपने कमाई के साथ साथ एक छोटा सा लाइफ इंश्योरेंस रखें, ताकि आपके साथ कोई भी कैजुअलिटी होती है
तो आपके परिवार के भरण भरण पोषण के लिए उनको आगे ज़िंदगी